हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स। दोस्तों, यहाँ पर पैनकेक्स का मतलब मेकअप फॉर फेस होता है। तो अशोका मित्रन द्वारा ये लिखा गया पोएट्स एंड पैनकेक्स है। तो हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अशोक मित्रन का जन्म जो हुआ था वो 22 सितंबर 1931 को हुआ था और उनकी मृत्यु 23 मार्च 2017 में यानी हुआ है। तो एक प्रसिद्ध तमिल लेखक हैं और साहित्य अकादमी के विजेता भी थे। वह उन कुछ लेखकों में से एक थे जिन्होंने तमिल और अंग्रेजी दोनों में धारा प्रवाह लिखा था। 6 दशकों से अधिक में करियर में उन्होंने 20 उपन्यास और सैकड़ों लघु कथाएं उन्होंने लिखी, जो विभिन्न अलग अलग मुद्दों पर थीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल चेन्नई के मशहूर जेमिनी स्टूडियोज में बिताए। हालांकि उन्हें समाचार पत्रों के लेखों को काटने और चिपकाने का लिपिक कार्य सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने जेमिनी स्टूडियो के कामकाज के बारे में बहुत कुछ सीखा था, जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथा पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस में हास्यपूर्ण चित्रित उन्होंने किया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस अध्याय में, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है ये है कि 1940 में स्थापित लगभग 30 वर्षों के लिए मद्रास अर्थात चेन्नई का जेमिनी स्टूडियो भारत के एक अग्रणी और प्रभावशाली फिल्म निर्माता संगठनों में से एक था। शानदार और प्रतिभाशाली एस वासन द्वारा स्थापित इनमें 600 से अधिक लोगों का स्टाफ था और इनमें तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए फिल्में बनाई। पैनकेक जेमिनी स्टूडियोज द्वारा उपयोग की जाने वाली मेकअप सामग्री थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता तमिल लेखक अशोक मित्र ने 1952 से 1966 तक जेमिनी स्टूडियो के लिए काम किया। बाद में उन्होंने माई ईयर्स विद बॉस पुस्तक में अपनी यादों को दर्ज किया। तो कवि और पैनकेक्स का अगर थीम देखा जाए तो इस अध्याय में अशोका मित्रन द्वारा लिखी गई माई ईयर्स विद बॉस से लिया गया है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो इस लेख के माध्यम से अशोका मित्रन विशेष रूप से फिल्म उद्योग और सामान्य रूप से भारत से संबंधित बहुत सारे विषयों को सामने लाते हैं और पाठक को स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक अवस्था में एक झलक प्रदान करते हैं। अशोक मित्रन उस तरीके के बारे में भी बताते हैं जिसमें कानूनी सलाहकार अनजाने में एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के करियर को बर्बाद कर देते हैं। अशोक मित्रन के चिंतन में साम्यवाद को भी स्थान मिलता है। भारत के उस समय शिक्षित लोगों ने साम्यवाद के लिए अपना समर्थन दिखाने में गर्व महसूस किया और जेमिनी स्टूडियो कोई अपवाद नहीं था। उन्होंने पश्चिम द्वारा चलाए जा रहे साम्यवाद विरोधी आंदोलन का भी उल्लेख किया गया। तो दोस्तों, पोएट एंड पैनकेक्स का सारांश देखें तो इसमें जो है अशोका मित्रन की पुस्तक माई ईयर्स विथ बॉस से एक अंश है। बॉस एसएस वासन थे जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो की स्थापना की, जिसने भारतीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली कई फिल्मों का निर्माण किया। तो अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियो में अपने दिनों के बारे में बात करते हैं। वह अपने हास्य और लिंग व्यंग के लिए जाने जाते हैं। वह हमें मेकअप सामग्री के बारे में बताते हैं। इस सामग्री का ब्रांड नाम पैनकेक था। इस सामग्री को स्टूडियो में खरीदा और इस्तेमाल किया गया था। वह उन कुछ अभिनेत्रियों के नाम बताते हैं जिन्होंने उस सामग्री का इस्तेमाल किया। उनका सुझाव है कि मेकअप विभाग एक इमारत में स्थित था जिसके बारे में माना जाता था कि यह रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव के निवास से जुड़ी कई इमारतें थीं, लेकिन यह सच नहीं था क्योंकि क्लाइव का भारत में रहना बहुत ही कम था। इसके अलावा वह मेकअप विभाग को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में और मेकअप रूम को हेयर कटिंग सैलून के रूप में वर्णित करता है। पैनकेक और कई अन्य लोशन अभिनेताओं को बदसूरत बना देते थे क्योंकि उन्हें एक फिल्म में प्रस्तुत करने योग्य बनाना आवश्यक था। मेकअप डिपार्टमेंट में एक 40 साल का ऑफिस बॉय था जिसका सपना स्टार एक्टर या डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बनने का था। उसके सपने अधूरे रह गए जिससे वह निराश हो गया। इसके लिए उसने सुब्बू को दोषी ठहराया जो नंबर 2 था और बॉस का पसंदीदा
था। लेखक उन कवियों के बारे में बताता है जो खादी पहने थे और मानते थे कि कम्युनिस्ट राक्षस होते हैं। वह कानूनी सलाहकार के बारे में बताते हैं और जो कहानी विभाग का सदस्य रह चुके हैं। वह विभाग में बाधाओं पर और कहानी विभाग के बंद होने से उसकी नौकरी चली जाती है। कानूनी सलाहकार ने एक बार एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के होनहार करियर का अचानक अंत भी कर दिया था। जेमिनी स्टूडियो ने 200 मजबूत मोरल रीऑर्मेंटेड आर्मी की मेजबानी भी की, जिसमें दो नाटक को सबसे अधिक पेशेवर तरीके से दिखाया गया। नाटकों को अच्छी सफलता मिली और उन्होंने तमिल नाटक पर अपनी छाप छोड़ी। हालांकि बाद में लेखकों को पता चला कि MRA वास्तव में एक काउंटर कम्युनिस्ट आंदोलन था। लेखक हमें सुब्बू के बारे में भी बताते हैं, जो कई क्षमताओं वाला और दयालु व्यक्ति हैं। हालांकि कार्यालय के लड़कों ने उसे ईर्ष्या महसूस की और उसे सौंप दिया। तो लेखक विनोद पूर्वक एक अंग्रेजी कवि के स्टूडियो यात्रा के बारे में बताते हैं। हालांकि सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन उनके आने का उद्देश्य लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा। स्टूडियो में उन्होंने कवि का नाम सबसे पहले कभी नहीं सुना था। इसके अलावा उन्हें समझ नहीं आया कि उसने क्या कवि की शायद चकरा गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, कभी भी शायद चकरा गए हैं। अब स्टूडियो में अशोकमित्रन का कर्तव्य कई मुद्दों पर अखबारों की कतरनों को काटना और उन्हें फाइलों में जमा करना था। हालांकि जिसने भी उन्हें अखबार फाड़ते देखा, उन्हें लगा कि उनके पास कोई काम नहीं। इस प्रकार हर कोई उसे कुछ काम देना चाहता है। लेखक ने द हिंद में एक नोटिस देखा। द एनकाउंटर नामक एक ब्रिटिश पत्रिका द्वारा एक लघु कहानी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। लेखक एक प्रविष्ट भेजना चाहता था, हालांकि वह पत्रिका की स्थिति जानना चाहता था। इसके लिए वे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए। वहां उन्होंने पाया, उन्हें पता चला कि पत्रिका के संपादक स्टीफन स्पेंडर थे, जो जेमिनी स्टूडियो में आए कवि थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें द गॉड दैट फेल नामक एक पुस्तक मिली। इसमें साम्यवाद की विफलता के बारे में 6 निबंध थे। इनमें से एक निबंध स्पेंडर द्वारा लिखा गया था। स्पेंडर की जेमिनी स्टूडियो यात्रा का रहस्य साफ हो गया। शायद इसका उनके साम्यवाद विरोधी दृष्टिकोण से कुछ लेना देना नहीं था।